देख सकते हो काफी दूर तक बनाया गया है, सभी में मछली पालन हो रहा है अभी। कैसा लगा प्लीज कमेंट करके कोई बता दो यार। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी हम जा रहे हैं बालार जलाशय, जो काफी बेहतरीन जगह है एंड कसडोल से करीबन 20 से 25 किलोमीटर के आसपास है। सो ये बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है एंड पिकनिक स्पॉट है, जो काफी ऐसे लोग पता यहाँ नहीं पर क्या आते था। हैं। सो एक जलाशय है जो काफी पानी स्टोरेज करके रखा हुआ है, बांध टाइप का। सो वहाँ हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं क्या सीन है, कैसा है करके। सो बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो काफ़ी पानी स्टोरेज है। तो चले फिलहाल वहाँ से हम लोग मतलब यहाँ से निकलते हैं वहाँ के लिए, तो मिलते हैं आप लोगों को सीधा जलाशय में। तो फाइनली गाइस अपन लोग पहुंच गए हैं डैम। सो यहाँ पर काफ़ी लोग पिकनिक के लिए आए हुए हैं। सो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ से डैम दिखता कैसा है। सो गाइस ये रहा डैम, काफ़ी बेहतरीन व्यू। सो गाइस यहाँ पर ना एक ना मछली पालन वाला काम चलता है। सो हम लोग उधर जा रहे हैं, देखते हैं कैसा क्या व्यू है, और बोलते हैं आप लोगों को वहाँ पर ले जाने के लिए क्या है चार्जेस है वो भी पूछ लेंगे, और आप लोगों को बता भी देंगे अगर जो भी चार्जेस होगा। तो फिलहाल इस तरीके के जंगल से पैदल चलते जा रहे हैं, ठीक है। सो गाइस अपन लोग इसमें जा रहे हैं फिलहाल, भाई लोगों से बात किए तो ये लोग हम लोगों को उस पार छोड़ने के लिए तैयार हो गए। चलो ठीक, हम लोग अभी इसमें जा रहे हैं, देखते हैं बीच में भाई लोगों से रिक्वेस्ट किए तो फाइनली ये लोग तैयार हो गए। सो अपन लोग फिलहाल अभी बीच आइलैंड में चलते हैं, ठीक है। सो ये देख सकते हो इसमें बैठे हैं हम लोग और इससे जा रहे हैं, हम लोगों को जाना है वहाँ, घर दिख रहा है ना वहाँ पर पहुँचना है। नरेंद्र सी ये जी भाई ब्लॉग में लोगों देखे से मैंने रिक्वेस्ट किया तो फाइनली हम लोग उस पार लेके जा रहे हैं। दिखा भाई क्या कैसे नाम है कैसे तेरा यार, दिखाओ यार। जसवंत नायक, जसवंत नायक और भाई के। सागर कुमार ठाकुर। हाँ तो आप जरूर आना, एक बार विजिट कर लेना भाई लोगों से। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच के देख सकते हैं, ये रहा टापू और ये रहा यहाँ पर मछली पालन होता है, काफ़ी बेहतरीन व्यू। सो ये देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन व्यू है, अरे रियल पानी बहुत ही ज़्यादा गहरा है और देखने में तो कुछ देख ही नहीं रहा है, काला काला। सो यहाँ से अपन लोग ड्रोन शॉट्स लेते हैं, काफ़ी बेहतरीन लगेगा, ठीक है। सो ये देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन व्यू, उतनी जाना है। सो फाइनली हम लोग गए और ये देख सकते हो ये मछली पालन, और ये बता देता हूँ 50 फीट से ज़्यादा गहरा ये वाला पानी, ठीक है। तो ये देख सकते हो आइलैंड है छोटा छोटा, काफ़ी बेहतरीन व्यू, मतलब सोचे नहीं थे यार इतना बेहतरीन होगा करके, काफ़ी बेहतरीन। यहाँ पर सभी में मछली पाले मछली पालन किया जा रहा है, ये देख सकते हो सभी में मछली पाल पाले हुए हैं, अरे काफ़ी बेहतरीन। हम लोग काफ़ी बीचों बीच चल रहे हैं ना, ये देख सकते हो, अरे बाप रे। ये देख सकते हो सभी मछली पालन चल रहा है, यहाँ से व्यू भी काफ़ी बेहतरीन देख सकते हो पूरे बीचों बीच। का देखा खाए कैसे, अच्छा हो गया बहुत भाई भाई। सो यहाँ पर देखो काफ़ी आगे आ गए हम लोग यार, अभी हमारा ड्रोन कनेक्ट नहीं हो पाया, फिर देखेंगे एक बार फिर से। सो ये रहा यहाँ का व्यू।
देख सकते हो काफी दूर तक बनाया गया है, सभी में मछली पालन हो रहा है अभी। और ये देख सकते हो छोटा छोटा आइलैंड बना हुआ है, यहाँ पर एक आइलैंड है, चश्मा आइलैंड है। सब लोगों का खाना पीना सब यही चलता है। देखो काफी बेहतरीन व्यू है। कैसा लगा प्लीज कमेंट करके कोई बता दो यार। फाइनली अभी यहाँ से निकलते हैं, काफी बेहतर था, बहुत अच्छा लगा। और थैंक्स भाई लोगों को कि यहाँ पर हम लोगों को ला दिए। फाइनली गाइस अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अपने टापू की ओर यहाँ से। ये देख सकते हो काफी बेहतरीन व्यू यहाँ से। गाइस यहाँ के ओनर से भी हम लोगों ने बात की है। ये मैं बता देना चाहता हूँ, ये कोई घूमने के लिए जगह नहीं है, खास ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मछली पालन के लिए। ऐसा कोई आते हैं तो प्लीज़ यहाँ कोई फोर्स ना करे कि यहाँ पर लेके जाएं घुमाने के लिए करके, क्योंकि जो यहाँ के ओनर है ना उन्होंने ये चीज़ बोले हैं, क्योंकि उन लोगों के काम में डिस्टर्ब होता है ना, तो इसीलिए हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से किसी को डिस्टर्ब हो काम में करके। प्लीज़ आप लोग कोई ज़्यादा फोर्स ना करें। अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। आप अगर घूमना चाहते हो तो ये पूरा इलाका घूम सकते हो आराम से। इस मछली पालन में बस नहीं आना है, बाकी पूरा सारे जगहों में घूम सकते हो आराम से, है ना। हम लोग झील पास पार करके आ गए। अभी आ गए हम लोग अभी जंगल में वापस से, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं ड्रोन शूट करके फिर से एक बार। काफ़ी बेहतर अनुभव था। दोस्तों हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गया है, जो हम सोच रहे थे ना ड्रोन शॉट लेंगे करके, तो यार हमारा ड्रोन कनेक्ट ही नहीं हुआ यहाँ पर, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, तो GPS चल ही नहीं रहा है। ड्रोन बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हुआ। हम लोग बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए। देखते हैं नेक्स्ट टाइम कभी आते हैं तो, और होता है तो ऐसा कुछ। यहाँ से फिलहाल अभी निकलते हैं। वीडियो को मैं यही पर एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय छत्तीसगढ़।